अगर मैं सीधा ही लूं तो ये कट नोट्स में आएगा, पर राग की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है। राग की जो प्लेसमेंट ऑफ नोट है यानी ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है एक राग के बढ़त की शास्त्र के हिसाब से वो आना चाहिए, और वो ये है। चाहे उसको अलाप के अंग में आप ले लीजिए, जैसे मैं जोड़ में आता हूं तो देखिए कैसे आएगा। हर नोट का अलग 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 शेड आना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कितनी है, वो अगर दूसरे नोट के साथ आता है, ये सारा गुरु शिष्य परंपरा में ही बता जाता है, किताबों में रेफरेंस तो आ ही जाता है, लेकिन लगेगा कैसे तो वो तो सीना बसीना ही होता है कि साहब जब आप से पंचम पे आ जाओगे तो ये इस ढंग का लगना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स जो है, अगर आप सिर्फ टुक टुक ही करते रहें, टुन टुन करते रहें, जैसे जल तरंग में आ गया और थोड़े से बच गया, अब जो कुछ बच गया, तो उससे मन को तो ठीक लगेगा, हाँ भी थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो राग की ग्रेविटी है, जो उसका ग्रैंजर है, जो हम कहते हैं हम राग बजाते नहीं हैं बल्कि राग का श्रृंगार करते हैं, उसका पूजा करते हैं, तो श्रृंगार कैसा फिर? श्रृंगार है कहाँ फिर? आप टुन टुन ही करते रहो पूरा दो घंटा तो ठीक है, जो सुनने वाले हैं उनको शायद या तो खबर नहीं है या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सुन सुन के, क्योंकि शास्त्रीय संगीत छूट नहीं देता जी आपको, वो नहीं मानता, वो ये कहता है कि जो कर रहे हो मेरे ढंग से चलो, तो उसको करते 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 जिंदगी निभ जाती है। जब आदमी रियलाइज करता करना क्या है, दिस इज द एंड ऑफ द गेम।